बेबी बेबी, मेरी एक सॉक्स नहीं मिल रही है, जरा चेक करो, धोने में है क्या वो ब्लैक वाली? या हो सकता है इस्त्री के कपड़ों में पड़ी हो। आ रहे जिज्जी पानी पी के। बेबी क्या कर रही हो तुम? मैं कब से बुला रही हूँ तुमको? पानी पानी पी रहा जिज्जी। भरने क्या तुम कुएं तक गई थी? यहाँ आरओ से भर लेती। हाँ जिज्जी, कुएं गला सूख रहा, प्यासा ही नहीं बुझ रही। ओ, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गई होगी, लूजीज हुए थे ना। ठीक है, पानी पियो बहुत सारा। जिज्जी वो ही तो कर रहे, 4 लीटर पी चुके। 4 लीटर? अच्छा तो कुछ और पियो, नींबू पानी पियो, नमक चीनी वाला पानी पियो, नारियल पानी मंगा दो। कृष्णन अय्यर, नारियल पानी वाला। हाँ जिज्जी, नारियल पानी मंगा दो। पतली मलाई, ऐसा लग रहा जिज्जी जैसे हमारी जवान गले में चिपक गई। जिज्जी हमें कोई वो तो नहीं होगा? क्या बुरा असर? बुरा असर तो तुम खुद ही हो। है? क्या क्या किसका? अरे वो तुम कह रही थी ना, कचू कचू लोगन को कबू कबू कचू कुछ साइड इफेक्ट। हाँ। वो तो चेक करना पड़ेगा मुझे, दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं था। ओ जिज्जी ड्राइनेस ऑफ माउथ और बेल्चिंग, ये सब साइड इफेक्ट्स तो लिखे हुए हैं। कह रही मतलब मुंह का सूखना और डकार आना। हाँ जिज्जी, डकार तो आ रही। अभी तो नहीं आ रही थी। सही में आ रही जिज्जी? और वैसे भी ये साइड इफेक्ट्स ना लाखों में किसी एक को होते हैं। तंगो जिज्जी, हमें तो मालूम ही आती, लेकिन तुम्हारे मुझसे सुन के और ही अच्छा लगो। क्या जय, क्या हम लाखन में एक है? तुम लाखों में एक नहीं हो, दवाई का साइड इफेक्ट लाखों में एक को होता है। वही तो जिज्जी, हमें बहुत, हम हुए ना लाखन में एक। दंगो जिज्जी, बात तो सही है। अच्छा ठीक है, तुम पानी वानी पियो, मैं डॉक्टर को कॉल करके पूछती हूँ क्या करना है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू, मैं जीपे करती हूँ आपको। बेबी कहो जिज्जी, ये लो, ये एक गोली ले लो, तुम यूं ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, हम पानी पी पी के ठीक हो जाए। तुम्हारी दवाइयों के चक्कर में हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन हिल गया, हमारा पूरा सिस्टम खराब हो गया। जे ले लो वो ले लो, जे ले लो, तुम तो हमें दवाइयाँ पे दवाइयाँ ऐसे खिला रही जैसे ना जाने कहीं की डॉक्टर नहीं हो। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, पर ये दवाई मैंने डॉक्टरनी से ही पूछ के मंगवाई है। हाँ, और साइड इफेक्ट्स भी पूछे थे तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहती है नन दैट आई हर्ड ऑफ, यानी कि एकदम सेफ है, तुम 3-3 घंटे में एक एक गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। तो चिच्ची चाह से गला भी नहीं सूखे? बिल्कुल भी नहीं। बी? क्या हुआ, गिर गई क्या? कचुने जिजी कचुने बा, ये क्या कर रही हो? टेस्टिंग कर रहे हैं जिजी। तुम तो मुंडी क्यों हिला रही हो, हाथ हिलाओ ना। बेबी सच सच बताओ, तुमने भैया की कोई दवा पी है? कौन सी दवा जी? वो दवा जो वो कबर्ड में रखते हैं, दवा दारू। अरे राम 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 जी जी, अरे राम, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें हम नहीं कर रहे जी। तो तुम अंदर जाके सो जाओ यार, डस्टिंग वस्टिंग कल कर लेना। ऐसे ही गिर विर गई, सर्वर फूट गया, अभी तक तो घर पे इलाज कर रहे हैं, पता चले हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। मैं छोड़ के आती हूँ यार, गिर गिर जाऊंगी कहीं रास्ते में। ओ, ओ, ओ। बेबी क्या हो गया, तुम अभी तक सो क्यों रही हो? जिज्जी हमसे उठा ही नहीं जा रहा, आंखें नहीं खुल रही। ये गोली कितनी खा ली तुमने? ये टॉफी 3 खा ली। 3 क्यों खा ली? तुमने कही थी ना 3-3 घंटा पे खाने, रात में उठ के को खाओ, 9 घंटा के हिसाब से हमने 3 खा ले। अब मुंह बिल्कुल ही नहीं सूख रहा।
हे भगवान, बेबी। वैसे तो तुम इतनी शातिर हो, लेकिन किसी किसी मामले में इतनी डम कैसे हो जाती हो? डम? बेवकूफ, इडियट, स्टूपिड, ढक्कन। समझ गए सारी जिज्जी। हमें काम करा दे जिज्जी, चाय बना के पी लेते हैं, अब नींद खुल जाए। नहीं नहीं, चाय से नहीं होगा, यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्गर। तुम एक काम करो, एस्प्रेसो शॉट मार लो। एक शॉट जो भैया पिया थे ऐसे नमक चाट के, नींबू निचोड़ के, और टल्ली हो जाता है टल्ली का। अरे नहीं नहीं नहीं, कॉफी बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेना, टल्ली का वली का मत पी लेना। और मैं जा रही हूँ जहान को बाजू वाले विंग में ड्रॉप करने के लिए। मेरे एक जूते हैं जो रिटर्न में जाएंगे, कोई पिकअप करने के लिए आएगा आज। ओके, तो पिंक कलर के जूते बाहर निकाल के रखे, दे देना उसको। उठ जाओ जहान, आजा बच्चा। ये तो आपने पहना हुआ है। हमने नहीं पहने। साफ साफ दिख रहा है आपने पहना हुआ है। हम भी साफ साफ कह रहे हैं हमने नहीं पहने। ये जूता जिज्जी के? हाँ तो जिज्जी ने पहना होगा, और पहनी चीजें रिटर्न नहीं होती। रिटर्न नहीं होती तो जिज्जी ने हमसे काय काय की रिटर्न करने? देखिए आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मेरा रोज का काम है। जिज्जी को भी रोज को काम है, 10 पार्सल आउट है, 5 आउट है। देखो हमारा मूड पे आ रहा हो, हमारा दिमाग को दही नहीं करो, लेके जाओ। क्या हो गया? जिज्जी जी लेके नहीं जा रहे हैं। क्यों? मैम ये यूज्ड है। हाँ ऑफ कोर्स यूज्ड है। देखा मैं बोल रहा था ना, ये यूज्ड है। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है? मैम यूज की हुई चीजें नहीं लेते हम लोग। अरे लेकिन यूज किया तभी तो फटा, इसीलिए तो वारंटी क्लेम की है। ठीक है मैम, आप मुझे इसका ओरिजिनल बॉक्स, बिल और टैग दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। वो सब तो फेंक दिया। उसके बिना तो रिटर्न नहीं हो पाएगा मैम। अरे लेकिन जब जूता पहना था तब थोड़ी पता था कि फट जाएगा, वरना बॉक्स संभाल के रखती यार। बट मैम हमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बिना बॉक्स के हम नहीं रिटर्न ले सकते। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप जरा ये बताइए आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं मैम, ई कॉमर्स ऐप ने आपको भेजा है जी पिकअप के लिए, तो आप पिकअप कीजिए और जाइए। ये लोग मेरी सैलरी से पैसे काटेंगे मैम, मैं नहीं ले सकता। अरे मेरी बात हो चुकी है उनसे। मैम मेरी सैलरी से कटेगा? नहीं नहीं मैम, मैं नहीं ले सकता मैम, सॉरी। जिज्जी फिर से शुरू हुआ। तुमको एक्सेस कैफीन से सरदर्द हो रहा होगा। रुको मैं तुम्हें वो गोली देती हूँ। हाँ जिज्जी, गोली के चक्कर में तो सब शुरू हुआ हो तो। अच्छा तो ठीक है, एक माइल्ड पेन किलर देती हूँ, और साइड इफेक्ट्स ना पहले ही हम लोग गूगल कर लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा। नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, हार्ट बर्न, हेडेक है? सरदर्द की गोली को साइड इफेक्ट सरदर्द? ठीक है सो इंसान बाओ। हाय गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे मालूम है बहुत पसंद आया आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग घर बैठ के गूगल करते हैं और सेल्फ मेडिकेट करते हैं, प्लीज कमेंट्स में बताइए। और अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट आपने किया इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। एंड कॉन्टेस्ट क्वेश्चन? हाँ तो आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे एपिसोड में यूं ठीक हो जाएगा कितनी बार बोला है। या और एक लकी विनर को मिलेगा SIT मर्चेंडाइज। तो प्लीज अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज का एपिसोड जो है हम कर रहे हैं, और सेल्फ मेडिकेशन की हम भी पेशेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं। आइए सर, आइए आप बैठ जाइए प्लीज। इंजरी, लेकिन शूटिंग तो करनी जरूरी है, और ये सोच रहे हैं कि ना डॉक्टर के जाना पड़े ना कुछ और करना पड़े, सेल्फ मेडिकेशन से ही ठीक हो जाए। और इनको कोई प्लीज बताइए कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी होती है मेडिसिन। डॉक्टर के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो दवाइयां देता है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, डॉक्टर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे ठीक हो जाते हो। अच्छा ये बताइए, ये रिटर्न आजकल जो ई कॉमर्स में रिटर्न का जो चल रहा है, स्पेशली फॉर अ वारंटी प्रोडक्ट, कभी किसी ने ट्राई किया रिटर्न करना? मैंने किया, और ये पूरी कहानी मेरे साथ घटित हुई है। हाँ। मेरे साथ घटित हुई है, और हमको लगा ये बड़ा ही अच्छा रिलेटेबल है, इसलिए हमने आपको ये
अलग से एक एनेक्डोट की तरह दिखाया कि जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिटर्न समथिंग इन वॉरंटी। बट ये भी कमेंट्स में बताइए कि रिटर्न्स को लेके आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। दिस इज ऑल ओवर साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। सब्सक्राइब टू SIT। ओके, दो लंगड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, टूटी हुई टांगों के साथ आपको। अरे रे, ओके ओके, बाय बाय।